What's up everybody, this is Sagar and welcome back to yet another video from our channel. आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं अजिंक्य तारा फोर्ट जो है सतारा में। तो ये एक इम्प्रोम्प्टू प्लान था अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो सबको फ्री होके निकलते निकलते ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके थे एंड वीकेंड था तो भीड़ तो काफी थी रास्ते पे। पुणे से हमें कवर करना है ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर और इस टाइम का वेदर काफी क्लीन है। तो भाई अभी पूना के जस्ट बाहर ही निकले हैं थोड़ी देर पहले और अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं। चाय पी के आगे निकलेंगे, अभी जाते हैं चाय पीते और निकलते हैं आगे। चाय पीने के बाद हमने कंटिन्यू किया अपना सफ़र। फिर गाने गाते बजाते फुल ऑन रास्तों को एंजॉय करते करते हम पहुंचे सातारा। एज पर मैप्स यहां से लेफ्ट लेना था जो हमने लिया एंड वी स्टार्टेड गोइंग अहेड। रास्ते की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि किसी लोकल से कंफर्म कर ही लेना चाहिए कि हम सही भी जा रहे हैं या नहीं। काका गड़ा करे जाए सेठी रास्ता कुठे है और रास्ता छोटा होते जा रहा है। इधर ऊपर ही जाना पड़ेगा। इधर से एक रास्ता है रे सागर, उतरते टाइम इधर से उतरेंगे। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है और रास्ता बिल्कुल भी ख़राब है यहाँ से आगे। तो हम पता भी नहीं है कि आगे ऊपर तक जा सकते हैं, लोग तो बोल रहे हैं। लेट्स सी। ओहो, क्या पे चले जा रहे हैं। तो अभी एक पॉइंट पे आके ऐसे लगा कि गाड़ी यहीं पे पार्क कर लेनी चाहिए, तो हमने गाड़ी कर दी है पार्क यहाँ पे और ये रास्ते से हम पैदल जाने वाले हैं। हाँ, सेल्फियाँ शुरू हो गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग सी चीज़, इधर सज्जनगढ़ है, इधर ठोसेगढ़ है, ये कासपठार जाने वाला रास्ता है। पूरा तो मतलब ऐसे लग रहा है एकदम मज़ेदार जगह है, आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी ऊपर जाके देखना है कितना देर लगेगा पता नहीं। काका वर कितनी वेळ लागेल म्हणजे पायासाठी? पायासाठी 1.5 तास पूरे झाला। पूर्ण 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 पायासाठी। आणि इथून वर जायला किती वेळ लागतो? 10 मिनिटं। तो ये कुछ सीन है, अभी हम लोग ऊपर जाना शुरू कर रहे हैं। वो एरिया में पूरा बारिश चल रहा है और ये पूरा सातारा गांव। और वो रहा जल मंदिर, येलो में पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, जबरदस्त व्यू आ रहा है देखने। हम लोग पहुंच गए घर पे, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, पार्किंग की हुई है लोगों ने, यहाँ पे ऊपर तक आ सकते हैं। ये मेन दरवाजा, गेट से अंदर जाते वक्त आपको दरवाजे दिखेंगे जो अभी भी अच्छे से रिस्टोर करके रखे हुए हैं। ये पुराने ज़माने वाली ही दरवाजे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब आए अंदर एंटर करते हैं तो आते ही सीढ़ियाँ लगती हैं जहाँ से ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे। आगे देखते और क्या क्या है। फोन 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 फोन, अरे फोन है बाबा, तो तुझा क्या कामाचा है?
त्यांना वाटते खायला काय बरोबर आहे. तू हर जगह पे स्टेयर्स ही बने हुए आराम से जा सकते. आई थिंक सिंहगढ़ जितना भी डिफिकल्ट नहीं है ये. और यहाँ से पूरा प्लेटू पूरा चालू हो गया है, प्लेन सरफेस है. फोर्ट पे आगे निकले तो दो रेडियो टॉवर्स, एक एबेंडेंट सा घर और उसी के साथ ये सुंदर नज़ारे. अभी मस्त बारिश आने के डर से फटाक से ड्रोन उड़ा लिया है, थोड़ा ही दूर गया है, अभी पता नहीं क्या क्या कैप्चर किया, आगे देखते हैं. तो वो जो हमने टावर स्टेशन देखा था उसके बाद एक छोटा सा रास्ता आता है, ऐसा पूरा ऐसा ही रास्ता है, तकरीबन 500 मीटर के आसपास हमने कवर किया है और तब से ऐसे छोटे से पाथवे से ही हम लोग चल रहे हैं. मस्त यहाँ पे अलग अलग टाइप के पौधे दिख रहे हैं. ये सामने जो दिख रहा है वो ताराबाई के राजवाड़े के कुछ रिमेन्स है जिसपे काफी पेड़ पत्तियां आ गई है, तो वो अब कुछ ऐसे दिखता है. यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो इफ यू वांट टू गो तो आपको जो प्लेटफॉर्म दिखाया था मैंने उस प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे आने के बाद एक लेफ्ट लेना पड़ेगा. रास्ता कुछ ऐसा है और वो रहा मंदिर कोने में वहां पे. तो ये जो मंदिर है यहाँ पे शिवलिंग है और बोलते हैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का भी मंदिर है, वो पता नहीं कहाँ पे, वो जाके देखते हैं आगे. मंदिर से आगे हम लोग चलते ही जा रहे हैं और अभी जाके थोड़ा ओपन स्पेस आया और जहाँ पे हमको यहाँ पे एक टाकी और इधर एक वाटर स्टोरेज दिख रहा है. अरे वो बचा नहीं, कैसा लग रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पानी थोड़ा खराब है. चलो दिस इज फॉर वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दिस प्लेस. इतना जबरदस्त व्यू आ रहा है. तो अभी शायद यहाँ पे कुछ ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं. और अच्छा मंदिर ही है तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग हैं. अभी कुछ लोकल बंदों से बात किया, उनके हिसाब से जो हमने वाटर पॉट्स दिखाए थे, जो दो मंदिर दिखाए और ये जो बोर्ड देखा हमने, इतना ही है. उसके अलावा बाकी ये साइड में नीचे एक पार्क टाइप्स कुछ है, तो वो पता नहीं हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे. लेकिन जो यहाँ से जाने वाला जो रास्ता है वो पूरा का पूरा इस गढ़ के कॉर्नर्स है. मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वो दिखाता हूँ. ये देखो ये रास्ता है हमारा और यहाँ पे पूरी खाई है और इधर पूरा सातारा शहर है. तो फाइनली ऐसा रास्ता आया है जिसमें से वी हैव टू फाइंड अ वे. और ये वाटर पॉट्स जिनके बारे में उन बंदों ने बोला था,
हमने अभी घर से अपने गाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिया। टाइम कुछ हो रखा है 4:30 और हमें पुणे के लिए भी निकलना है, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करते हैं और निकलते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना अजिंक्य तारा फोर्ट सातारा। फ्यू थिंग्स अबाउट द फोर्ट, द लोकेशन इज रियली ब्यूटीफुल विद द सीनिक लैंडस्केप अराउंड, रिमेन्स ऑफ राजवाड़ा, वाटर पॉट्स एंड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ सज्जनगढ़ एंड द सिटी ऑफ सातारा। यहाँ से निकलने के बाद हम चिल करते हुए निकले पुणे की ओर। अंधेरा हो गया था, भूख भी काफी लग गई थी, तो हम रुके खाना खाने इन द होटल नेम्ड नानाची वाड़ी। द होटल इज रियली ब्यूटीफुल, इट इज जस्ट 50 किलोमीटर्स बिफोर पुणे फ्रॉम सातारा साइड, नेक्स्ट टू द हाईवे। एम्बियंस भी काफी सही था और भाई साहब खाना खा के तो मजे ही आ गए, 100% रिकमेंडेड। तो भाई अभी निकलते वक्त बहुत जोरों से बारिश चल रही है, ओनर्स दे आर काइंड इनफ टू गिव अस दिस छाता। वी जस्ट फिनिश्ड आवर फूड एंड स्टार्टेड हेडिंग बैक टू पुणे। So that's it guys for this video. I hope you might have enjoyed this virtual tour to the Ajinkya Tara Fort. If yes, do let me know in the comment section below. Share with your friends and family जिनके साथ आप यहाँ पे एक वीकेंड ट्रिप प्लान करना चाहोगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।